अधिकारियों के द्वारा जांच व कार्यवाही का आश्वासन देने के बाद आमरण अनशन हुआ स्थगित। ग्राम पंचायत इकलहरा में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर 16 फरवरी को इकलहरा बस स्टॉप में उप सरपंच फकरूल सिद्दीकी के द्वारा किया जाना था आमरण अनशन। जुनारदेव ग्राम पंचायत इकलहरा में सरपंच द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य सहित अन्य कार्य में भ्रष्टाचार को लेकर पंचायत के उप सरपंच फकरूल सिद्दीकी के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर 16 फरवरी को इकलहरा बस स्टॉप पर आमरण अनशन किया जाना था। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जनपद सीओ सुश्री रश्मि चौहान एवं परासिया जनपद पंचायत उपाध्यक्ष जमील खान के द्वारा उप सरपंच को पंचायत क्षेत्र में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया, जिसे लेकर उप सरपंच फकरूल सिद्दीकी के द्वारा 16 फरवरी को किया जाने वाला आमरण अनशन स्थगित कर दिया गया एवं ये भी कहा गया कि इस दौरान जांच व कार्यवाही नहीं की जाती है तो आगामी 22 फरवरी से पुनः आमरण अनशन किए जाने की बात उप सरपंच के द्वारा कही गई है। गौरतलब है कि उप सरपंच एवं ग्राम के पंचों के द्वारा जनपद पंचायत परासिया में लिखित शिकायत के दौरान बताया गया कि सीमेंट कंक्रीट सड़क मार्ग के साथ नाली का निर्माण कार्य नहीं किया जाना एवं मनरेगा के मास्टर रोल में फर्जी हाजिरी भरना, एलईडी बल्ब खरीदी में भ्रष्टाचार एवं कचरा गाड़ी खरीदी में भी भ्रष्टाचार सहित अन्य मामलों को लेकर पूर्व में ज्ञापन के माध्यम से जनपद पंचायत परासिया में शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपकर पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की जांच व कार्रवाई की मांग की गई थी।